50 लाख रुपए की रंगदारी के लिए पिलानी के उत्तम स्टोर पर फायरिंग के मास्टरमाइंड 15,000 के इनामी हिस्ट्री शीटर सूरज नायक उर्फ घुंडी को पुलिस ने कल गिरफ्तार कर लिया था। सूरज नायक ने 28 सितंबर को अपने गुर्गों के साथ चांडक मार्ग पर स्थित सुपर स्टोर पर फायरिंग करवाई थी। आपको बता दें कि कस्बे के चांडक मार्ग स्थित उत्तम स्टोर के संचालक आशीष अग्रवाल ने पुलिस को लिखित रिपोर्ट दी थी कि 27 दिसंबर को पिलानी के स्थानीय बदमाश सूरज नायक उर्फ गुंडी ने मोबाइल पर कॉल करके उससे 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी और रंगदारी न देने पर अंजाम भुगतने की चेतावनी दी थी। बाद में 28 दिसंबर को शाम 6:13 पर मोटरसाइकिल पर आए दो लड़के उत्तम स्टोर पर फायरिंग कर फरार हो गए थे। बदमाशों ने उत्तम स्टोर पर 3 राउंड फायर किए थे। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए घटना के 10 दिन बाद फायरिंग करने वाले पिलानी के मुकुल नायक और श्यामपुरा मेनाना के अंकित जांगिड़ को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन मुख्य आरोपी और व्यापारी से 50 लाख की रंगदारी मांगने वाले सूरज नायक उर्फ घुंडी निवासी पिलानी घटना के बाद से ही फरार था। थानाधिकारी नारायण सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि टीमें लगातार सूरज उर्फ घुंडी को पिछले कई दिनों से तलाश में लगी हुई थी। उसकी तलाश में कई जगह छापेमारी की गई थी। पुलिस ने पुख्ता सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए हरियाणा के बाडड़ा से गिरफ्तार किया है। आज दोपहर 12 बजे बाजार में सूरज उर्फ घुंडी का जुलूस भी निकाला गया। तो जो आपको अपडेट है वो दे देते हैं कि इसमें जो 3 लोग और हैं वो चिड़ावा में जो बैंक लूट की योजना बना रहे थे उन लोगों को यहाँ पर उनका भी जुलूस यहाँ पर निकला जा रहा है। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। इनका पिलानी में बाजार में एक जुलूस यहाँ पर उनका निकाला जा रहा है। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको पिलानी से दिखा रहे हैं। तो पिलानी में जो गोलीकांड हुआ था उत्तम स्टोर पर, उसमर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जो मास्टर माइंड बताया जा रहा है सूरज उर्फ गुंडी उसको गिरफ्तार कर लिया है और जुलूस यहाँ पर पिलानी के बाजार से होते हुए ये उत्तम स्टोर के सामने हम पहुँच चुके हैं और यहीं पर वो जो गोलीकांड है वो हुआ था और आप देख पा रहे हैं आपको बता दें कि जो उत्तम स्टोर है यहीं पर फायरिंग हुई थी और 50 लाख की रंगदारी जो है वो मांगी गई थी। आज पुलिस कल एक अपराधी को पकड़ा है जो उत्तम स्टोर पे 28 तारीख को जो गोलीकांड हुआ था उसके अंदर मुख्य साजिशकर्ता के तौर पे आइडेंटिफाई किया गया था। काफ़ी दिन से फरार था, गोली चलाने वाले लड़के पकड़े गए थे पहले ही और ये लड़का अभी पुलिस ने कल रात को पकड़ा है और इसको भाई इन्होंने किस तरह से प्लानिंग की है, क्या इनका रूट रहा है उसके दस्तयाब करवाने के लिए पुलिस यहाँ से इनको रूट मार्च करवाया है और पब्लिक इनको देख रही थी। उससे युवाओं में भी एक संदेश गया है कि अपराध के रास्ते पे जाने के बाद अंजाम ऐसे ही कुछ होते हैं जैसे इन भाई साहब के साथ हुआ है और इनका अगला अंजाम यही है कि किसी दिन पुलिस की गोली का शिकार हो जाए।
तो युवाओं से निवेदन ये है हमारा तो कि एक अच्छे समाज का निर्माण करें और अपराध की दुनिया से दूर रहें। ये एक बार लुभावना लगता है पर आपकी ज़िंदगी को सदा के लिए ख़राब कर देता है।